मेरा नाम डॉक्टर शराफत हुसैन है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ख्वातीन का चेहरे पे रेज़र का इस्तेमाल करना कैसा है, क्या रेज़र इस्तेमाल करने से बाल ज़्यादा हो जाते हैं, बाल ठीक हो जाते हैं, और रेज़र के बाद आपकी स्किन के ऊपर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, या फिर आपके सुपरफिशियल जो हेयर होते हैं उनको रिमूव करने का तरीका क्या है। जब मैं अपने क्लिनिक पे हेयर रिमूवल सेशन करता हूँ और उसके करने के बाद जो बाल रह जाते हैं उन्हें रेज़र के साथ साफ़ करता हूँ, तो 90% ख्वातीन परेशान हो जाती हैं और हैरान भी होती हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो रेज़र यूज़ कर दिया, अब हमारे बाल ज़्यादा हो जाएंगे, रेज़र नहीं यूज़ किया जाता। अब मेडिकल जो है वो ये कहती है कि जब आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग करवाती हैं तो आपकी स्किन के ऊपर माइक्रोस्कोपिक इंजरीज होती हैं जो आम आँख को नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के साथ आपकी स्किन को देखा जाए तो बहुत बड़े होल नज़र आते हैं वहाँ। और जब आप वैक्स करवाते हैं या थ्रेडिंग करवाते हैं तो उसके बाद आपका आने वाला बाल जो है वो पहले से मोटा होता है, क्योंकि आपका जो फोलिकल है उसका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा होता जाता है, और ना सिर्फ हेयर की ग्रोथ ज़्यादा होती है बल्कि आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मेडिकल ने जो रिकमेंड किया हुआ है हेयर को रिमूव करने का वो है रेज़र का यूज़ करना। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि रेज़र इस्तेमाल करने से हमारे बाल नुकीले हो जाते हैं या फिर पहले से बाल जो है वो मोटा हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप रेज़र के साथ अपने स्किन से बाल उतारते हैं तो वो आपकी स्किन को ट्रैप करता है यानी टेढ़ा काटता है, जिसकी वजह से आपका नया आने वाला बाल जो आपको फील होता है कि वो नुकीला है। रेज़र जो है वो आपकी स्किन तक महदूद रहता है, उसका फोलिकल पे कोई असर नहीं होता। आपकी जो हेयर एम की ग्रोथ आपके फोलिकल्स में हो रही होती है, और फोलिकल को डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ है वो है आपकी वैक्सिंग और थ्रेडिंग। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो आम मार्केट में मिलने वाला ब्लेड है वो स्टार्ट कर दें और अपने जो चेहरा है उससे हेयर को रिमूव करना स्टार्ट कर दें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसके लिए स्पेशल किस्म के रेज़र आते हैं जो आप जिनके साथ अपने फेस से हेयर को रिमूव कर सकते हैं, और इसके साथ आपकी हेयर ग्रोथ भी कम होगी और आपके हेयर ज़्यादा भी नहीं होंगे। और मेडिकल जो रिकमेंड करती है वो है कि आप हेयर रिमूवल के लिए रेज़र का इस्तेमाल करें। थैंक यू।